मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आपको नोट दिया जाएगा, एक तो विस्तृत और एक शॉर्ट में जो घोषणाएं हमारी हुई उसको दिया जाएगा। शांत रहो, तो ये दिया जाएगा, उससे आप लोग, आपको कोई अगर शंका हो कि आपको लगता भी बजट में जो बिंदु उठाए हैं तो कोई पूछो, बताओ आप लोग को। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बैठे हैं भैया, बात सुनो, कोई दम नहीं है, तो नाटक किया गया इन्होंने। अगर बजट लीक 0.1% भी हुआ हो तो इश्यू बड़ा बनता है। 0.1% वो जो बोल रहे थे कि लीक हो गया, लीक क्या हो गया? अगर मैं पढ़ रहा था और एक पेज मान लो दूसरा लगा तो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बजट बनाता है जो, वो तो बेचते मेरे पास में, उनको ध्यान में आ गया मान लो, उन्होंने इशारा करा दिया और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर बजट कोई और चीज के हाथ में लग गया है तो वो कर्मचारी भी क्यों नहीं हो? आपको याद हो एक बार बजट लीक हो गया था तो सबको मालूम है क्या हुआ? बजट लीक ऐसे होता है क्या? बजट एक सेंसिटिव होती है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं होना चाहिए था, मान लीजिए खुदा ने कहा देते रात 7-7 दिन रात भर में रहते हैं अंदर, बाहर निकलते ही नहीं हैं और बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, उसमें मान लीजिए कोई पेज आ गया गलती से, वो ठीक कर लिया, मैंने खुद ने सॉरी फिर उसमें निकल लिया ना, जैसे मैं मेरी स्पीड रोकी मैंने सॉरी और बाद में रिपीट किया तो फिर अंदाजा हो गया क्या थी। मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस वक्त मेरे सॉरी मतलब क्योंकि बजट पड़ रहा है और रोकना पड़ रहा है, तो उसको लेके बात का बतंगड़ बनाया गया बिना मतलब। और इनकी दिल्ली में जो है बीजेपी वाले, वो मैंने सुना वही लग गए पैर से बात करने के लिए इनके हाईकमान वाले लोग, ये तो इनकी स्थिति है। इनको मालूम था कि बजट शानदार आएगा, पूरे राजस्थान इनका जो हल्ला करने का जो मकसद मैं बताऊँ क्यों है, मकसद सिर्फ ये था इस बार बजट का प्रस्ताव जो आने वाले थे उसका प्रचार बहुत हो गया रहा है, तो उससे तो बातें हो गई, एक तो लोग उम्मीद भी बनी पता नहीं क्या आएगा और एक जिज्ञासा बढ़ गई। तो आज गांव गांव में लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने व्यवस्था करी बजट को, सब सुने यूनिवर्सिटी के अंदर सुने, कॉलेज में सुने, गांव गांव में सुने, लोग सब बैठे हुए थे, इनको मालूम था वो बैठे हुए हैं, उन तक मैसेज नहीं जाए। हमने तो इसलिए बैठाया जो हम लोग बोलेंगे और गांव वाले खुद सीधा सुनेंगे, आम जनता सुनेगी, तो आगे जो टाइम लगता है 6 महीने का पहुंचाने का, बजट की घोषणाओं को गांव गांव पहुंचाओ, घर घर पहुंचाओ, विज्ञापन दो, सब करें, उसकी बजाय आप पहले दिन से मालूम पड़ जाएगा भाई हमारे लिए योजना घोषणा हुई है, तो जनहित के अंदर हमने व्यवस्था कराई उनको, उनको मतलब ये सहन नहीं हुआ कि ये पूरा राजस्थान एक साथ सुन रहा, लाखों लोग सुन रहे एक साथ में, वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, उसको उन्होंने अंडन करने के लिए वो डिस्टर्ब हो जाए, देखो मत बदल ही हो गया, ये उन्होंने जानबूझ करके बात करी, वो दम नहीं था उसके। मैंने क्या जवाब दिया आपको? अगर 0.1% भी आप बैठे, सुनिए आप, वो आपके लिए काम, वो हमारे काम की बात है, 0.1% भी लीक हुआ हो तो क्वेश्चन करे कोई पत्रकार करे या विपरीत वाला करे, 0.1% लीक हुआ ही नहीं है तो अगर मान लीजिए वो प्रॉब्लम पैदा हो ठीक कर लिए उसको, आधा पौन घंटे नाटक करने यूज कह दिया उनको, और फिर मैंने क्या कहा, ही तो कहा भाई बेहतर जब बंद किया मैंने स्पीच तभी मैंने सॉरी फील कर दी थी।
बात कहते, कोई दम नहीं बात में। और कोई बात बराक ओबामा के, मैंने जो आपको कोर्ट पढ़ के सुनाया ना, वो मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी पढ़ना चाहिए उसको, वो उसमें सब कुछ आ जाता है। 75 ईयर पहले 1935 या 32 में जो भी था वो भी सब लिखा था। उस वक्त में रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने जो बात कही उसको एक्सप्लेन किया बराक ओबामा ने। वही मेरी भावना है कि भाई हमें केंद्र सरकार को चाहिए कि आप कानून बनाओ देश के अंदर, और हम इनको नहीं छोड़ सकते, बाजार के डिपेंड नहीं कर सकते बाजार पे, ये तो बात है। वही देख लीजिए NPS में क्या है, पूरा पैसा लगा हुआ मार्केट के अंदर, LIC के दाम गिर गए, किस वक्त क्या स्थिति बन जाती है, तो आप कैसे उनके भरोसे छोड़ सकते हो। और मैं आज कहता हूँ आपको, अल्टीमेटली केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे NPS को मॉडिफाई करे अपना फेस सेव करने के लिए, चाहे कुछ भी करे, पर आप सिक्योर रखना पड़ेगा आपको अपने कर्मचारियों को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि आज जो कुछ भी सोशल सिक्योरिटी में बात क्यों कर रहा हूँ, भारत का कानून बनाने की, इसलिए पूरे देश के लोगों को जीने का अधिकार है। आप उनकी, मैंने कहा ना वो आप लोग पैरा पढ़ेंगे ना, आप जब पुस्तक मिल जाएंगे आपको, वो उसमें सब सहाय जा जाता है। अभी तो क्या हमने सब टेबल पर रख दिए जो घोषणा करनी थी, अभी अभी तो 3-5 घंटे लगते फिर तो अभी तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या घोषणा हुई है। और जहाँ तक आप कह रहे हो उसमें तो कोई बात है मेरे से, अभी पढ़ा क्या मैंने आज, आज तो अभी की बड़ी बात करो वो बात कर। देखिए, हम चुनाव के हिसाब से कभी नहीं करते हैं, ये चुनाव तो चलते रहेंगे, हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हमने कहा हमारा सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। अगर हमने, आप सबने बैठाया हमें जहाँ पर प्रदेशवासियों ने बैठाया है, हमारा हर क्षण जो है जाए उसके अंदर, गरीबी सेवा में जाए, प्रदेशवासियों सेवा में जाए, ये एम रख के हम फैसले करते सारे गेम चेंजर नहीं, ये सब पब्लिक के हाथ में है। जनता माई बाप है, जनता तय करेगी कि हमें क्या फैसला करना आगे, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। मैं फिर बता, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको किया गया है जिससे कि लोग फर्स्ट हैंड सुन ले और उसको दिमाग रख ले। पब्लिक तक बात पहुंचने में 6 महीने लग जाते हैं, तो वो कम से कम फर्स्ट हैंड खुद देखे तो अच्छा है। उनकी हमने व्यवस्था भी करवाई पूरे राजस्थान के अंदर, हर गांव में था, पंजाब में था। ₹25 लाख का बीमा दुनिया के मुल्कों में कहीं पे भी ऐसी योजना नहीं होगी जो राजस्थान सरकार ने बनाई है। आपको, हम सबको गर्व होना चाहिए, 25 लाख कोई गरीब आदमी जो हो सकता है बेचारे का मकान में नहीं हो खुद का, उसको लग जाए भाई कि अगर बीमार पड़ गया मैं तो सरकार मेरी जिम्मेदारी फिर हेल्थ की, ये तो क्रांतिकारी काम है। और 25 लाख का करना बहुत बड़ी बात है, ये तो हर आयुष्मान भारत 5 लाख की है, और हमारे जो 90% है कवरेज, उन तो खाली जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उस वक्त में, उनमें जो भी 2-4 10-5 करोड़ होंगे, जो भी होंगे उनके लिए, हमारे तो पूरे राजस्थान की जनता के लिए, हर परिवार के लिए, ये योजना तो बहुत ही अच्छी योजना है। आप अपने टेलीफोन को ऑफिस में फाइल
दिन लग गए हम तो। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप हरियाणा के सीएम से प्रभावित हो रहे होंगे आप, क्योंकि क्योंकि हिमाचल के सीएम ने जो गलती की वही अभी की है, 3 दिन पहले हरियाणा के सीएम ने, हिमाचल के सीएम ने कहा कोई वो फिर लागू नहीं हुआ, खाली कोरोना राहत हुई है, ठीक है। और मुझे जाना पड़ा शिमला, मैंने एक्सप्लेन किया भाई हमें तो लाभ मिलने लग गया, जो जल्दी लेट एज में आए होंगे सभी बात है उनको मिलने लगे लाभ, तब जाके वहाँ सबको मालूम पड़ा। अब 3 दिन पहले बोल गए हरियाणा के सीएम साहब कि लागू ही नहीं गई, उनको मुझे जवाब देना पड़ा मेरे ट्विटर हैंडल से, तो ऐसा नहीं है। अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही होगी, आप देख नहीं रहे आपको कि कल छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पे आ गए, कल बहुत महंगे लाठीचार्ज हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, 7 दिन पहले गुजरात में हुआ, 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में हो रहा, कितना भयंकर, उसकी चिंता पूरी सबको होनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं, हमने जो कदम उठाया वो किसी राज्य ने नहीं उठाया, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ तो वो मैंने कहा ना पहले ही, इस बार लगता है मुझे आम लोगों का जो मूड है लगता है कि सरकार रिपीट होगी इस बार, ऐसा लगता है मुझे। मैं आप फिर भाई साहब गलती कर रहे हो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ हर चीज़ को आप उस रूप में देखना चाहिए, पर ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, लास्ट बजट हमारा है तो लोग समझते हैं, पर इनको पूछो लास्ट बजट पहले ही हमने जो बजट पेश किए एक पहला दूसरा तीसरा चौथा उसमें भी आपको कोई खासियत मिलेगी आपको। आज पूरे देश में कोरोना का मैनेजमेंट हमारा उसमें तो कोई लिखा हुआ नहीं था, शानदार मैनेजमेंट हमने किया, हमने जो 10 लाख का बीमा किया अब तो 25 लाख मैं कर रहा हूँ, उसमें तो 10 लाख ही किया ना, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, शहरी रोजगार योजना कहीं नहीं है देश के अंदर, हमने उसको अपनाया है, कितनी जो गरीब को फायदा मिलता है वो जानता है इसका फायदा क्या है, शहरों में गरीब को 100 दिन के रोजगार आर्मी ने 125 दिन कर दिए, हमने अपने स्टेट फंडिंग से कर रहे हैं हम लोग गाँव के अंदर नरेगा का भी 100 का 125 दिन हमने किया है। और कोई बात नहीं, टैक्स की छूट दी वो तो 1700 के आसपास दी, 1700 करोड़ के आसपास छूट दी टैक्स में, अभी वो तो आपने सब गिनती पड़ी होनी हर विभाग की, 20,000 करोड़ तो हमने महंगाई को लिए, 19,000 करोड़ तो महंगाई को लेके पैकेज दिए, अभी आपको देखें लिखे उसमें सब मिल जाएगा आपको। फिर आप बता रहे हो रिपीट तो हमें होना ही है, आप इसको क्यों जोड़ रहे हो, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, माई बाप जनता है, अगर वो तय कर लेंगे इस बार भाई कि 5 साल तक अभी तक भी कोई सरकार विरोध में कोई लहर नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब जनता का मूड लगता है इस बार कि हमारी गुड गवर्नेंस को लोगों ने परखा है। कोरोना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, जिंदगी मौत की बात थी ना,
कितने लोगों की जान बची है राजस्थान में, कल्पना नहीं कर सकते। पड़ोसी राज्यों से लोग यहाँ आए इलाज करने के लिए, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, सब जगह आए। आप जो कह रहे हो ना, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है सरकारी अस्पताल के अंदर। बात सुनिए, प्राइवेट वाले नहीं मानते ना, आप सुनिए, समझे प्राइवेट वाले आगे थोड़ी करेंगे, कितने लोग आए कितने नहीं आए पता नहीं क्या होगा। सरकारी अस्पताल में ओपीडी आईवीडी सब फ्री है, नंबर एक। नंबर सर, आपको जानकारी नहीं होगी अभी तक भी, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि जनरली लोग जाने, आईपीडी जो है, आईपीडी जो भर्ती होता है ना, जिस दिन वो गए अस्पताल में उसके 5 दिन पहले, और जब उसकी छुट्टी होगी उसके 15 दिन बाद तक खर्चा सरकार दे रही है। मतलब इसकी स्कीमों के मर्म को समझने की आवश्यकता है। बताओ क्या करना चाहिए मेरे, आप बताओ, आपको ही बताओ। मैंने सुना वहाँ पर कि इतना बड़ा प्रोग्राम था, हम सब एक मंच पे आते, मैं ERCP, उनको मालूम था कि मैं आऊँगा तो ERCP का मुद्दा उठाऊँगा वहाँ पर, और प्रधानमंत्री को जाते रहूँगा। 2 बार आपने अजमेर में और जयपुर में क्या कहा था, मैं तो समझता उसे बचने के लिए उनके PMO ने और जो भी संबंधित लोग हैं और हमारे के नेताओं ने, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो भी हैं, उन सब ने कहा था आपने ऐसा जगह जगह चुन ली है, वो ERCP में आती है, दूसरा जिला भी, इसलिए आप भी एक ये जगह चेंज करो। आपको याद होगा थोड़ा बहुत चला था पहले कि अभी पक्का नहीं है, फिर पक्का हो गया, रास्ता निकाल दिया कि जहाँ उद्घाटन होगा वहाँ 100-200 लोग इकट्ठे हो जाओ, और बाकी जो है पब्लिक मीटिंग BJP कर रही है इलेक्ट से, इसका क्या मतलब है? मुख्यमंत्री जाए 200 लोगों में बैठने के लिए हुई हूँ वहाँ पे, और फिर भी मैं आ जाऊँ वापस PM को छोड़ के। PM की सिक्योरिटी का सवाल भी मुझे ध्यान रखना पड़ता सबका। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बजट पेश करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरीके का बजट हम लेकर आए हैं उससे तमाम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और राजस्थान एक नई दिशा में पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बजट को सामने लाने के बाद इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है।